पांच कत्ल का खौफनाक प्लान। बहू बेचैन, परिवार का कातिल कौन? एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसे पुलिस भी जानकर हैरान हो गई। 26 सितंबर से 15 अक्टूबर में मात्र 20 दिनों का अंतर है, लेकिन इन 20 दिनों में किसी एक परिवार का पूरा जीवन उजड़ गया। घर में ऐसा कोहराम आया कि पूरा वंश खत्म होने के कगार पर आ गया। महाराष्ट्र के एक परिवार में एक के बाद एक लाशों का अंबार लगता चला गया। परिवार वाले एक की मौत के सदमे से उबर नहीं पाते, इतने में दूसरे की जिंदगी उसका साथ छोड़ देती। न जाने इनके परिवार पर कौन सा कहर आया कि परिवार वालों और रिश्तेदारों का सफर सिर्फ अस्पताल और शमशान घाट तक ही रह गया। एक महीने के अंदर 5 लोग मर चुके हैं और 3 लोगों का जीवन जिंदगी और मौत के पतले धागे पर लटका हुआ है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे एक के बाद एक लोग अपनी जान गंवा रहे थे और कौन इस खेल का मदारी था? आइए आपको ट्विस्ट से भरी इस मर्डर मिस्ट्री की वारदात को सुनाते हैं। 20 सितंबर को शंकर कुंभारे और उनकी पत्नी विजया कुंभारे की तबीयत अचानक खराब हो गई। परिवार वालों ने उन्हें पहले अहेरी और फिर चंद्रपुर के अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद दोनों लोगों को नागपुर के एक नामी अस्पताल में ले गए, लेकिन उनकी तबीयत में कोई अंतर नहीं था। केवल 7 दिन बाद यानी 26 सितंबर को शंकर कुंभारे की सास उनका साथ छोड़ गई। इसके बाद अगले ही दिन विजया कुंभारे भी अपने पति के पास पहुंच गई। इन दो मौतों ने पूरे घर को झकझोर दिया। परिवार वाले इनकी मौत के सदमे से उबर ही रहे थे कि कुछ दिन बाद ही शंकर कुंभारे का बेटा रोशन, शंकर की विवाहित बेटी कोमल दहागवार और शंकर कुंभारे की साली आनंदा उर्फ वर्षा उराड़े की तबीयत अचानक खराब हो गई। इसके चलते उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। यहाँ से वो पुरानी कहानी रिपीट हुई। अस्पताल बदलते गए, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। न जाने उनको ऐसी कौन सी बीमारी लग गई जिसका तोड़ किसी भी डॉक्टर के पास नहीं था। डॉक्टर का बस यही कहना था कि ये कोई जहर का असर है जो धीरे धीरे इनके शरीर को खत्म कर रहा है। कुछ दिन बीमार रहने के बाद इन तीनों के शरीर ने इनका साथ छोड़ दिया। 8 अक्टूबर को बेटी कोमल, 14 अक्टूबर को साली आनंदा और 15 तारीख को बेटे रोशन की मौत हो गई। इतना ही नहीं, शंकर का बड़ा बेटा सागर कुम्हारे जो दिल्ली में काम करता है, वो माता पिता की बीमारी की खबर सुनकर घर वापस लौटा और जैसे वो उनका अंतिम संस्कार करवाकर दिल्ली वापस जा रहा था, रास्ते में उसकी भी तबीयत खराब हो गई, जिससे उसको दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा उनका ड्राइवर राकेश मंडावी की भी तबीयत खराब हुई, इसके लिए उसे भी चंद्रपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही साथ शंकर कुम्हारे के साली का लड़का उनकी मदद करने के उद्देश्य से चंद्रपुर और नागपुर आया था, लेकिन उसकी तबीयत भी ठीक उसी तरह खराब होने लगी और उसे भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 लोगों की मौत और उसके बाद भी लोगों के बीमार होने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा था। ऐसे में ये साफ हो गया था कि ये एक्सीडेंटल मौत तो नहीं है, इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। आपके मन में ज़रूर कई सवाल उमड़ रहे होंगे कि आखिर इस खौफनाक मंजर के पीछे कौन हैवान छिपा है और क्यों उसने इस खतरनाक वारदात को अंजाम दिया और कैसे इस पूरी साजिश को रचा। आइए आपको सारे सवालों का जवाब देते हैं। दरअसल इस खौफनाक साजिश के पीछे परिवार के ही लोग हैं। शंकर कुम्हारे की बहू संघमित्रा कुम्हारे और उनके साले की पत्नी रोजा रामटेक, इन दोनों ने ही इस दर्दनाक मंजर का आगाज किया और इसे अंजाम तक पहुंचाया। दरअसल संघमित्रा ने अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर रोशन कुम्हारे से शादी की थी, जिसके कारण उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। ये चीज उसको अंदर ही अंदर खा रही थी। इसके अलावा भी कई कारण थे जिसके चलते उसने बड़ा कदम उठाया, जैसे उसका पति रोशन और उसके ससुराल वाले उसे अक्सर ताना मारते थे। संघमित्रा के अलावा रोजा की शंकर कुम्हारे की पत्नी विजया कुम्हारे और उसकी दूसरी बहनों के साथ जमीन के कब्जे को लेकर हमेशा बहस होती रहती थी और वो इन सब को रास्ते से हटाना चाहते थे। संघमित्रा का बदला और रोजा का लालच शंकर कुम्हारे के पूरे परिवार को नष्ट कर गया। दोनों ने मिलकर जहर देकर पूरे परिवार को मारने का प्लान बनाया। प्लान के तहत रोजा ने तेलंगाना जाकर थैलियम का जहर खरीदा और फिर इसके बाद जब भी मौका मिलता उन दोनों ने लोगों के खाने पीने में जहर मिलाना
शुरू कर दिया। डॉक्टर के अनुसार थैलियम का जहर धीरे धीरे शरीर पर असर डालता है। इसके शुरुआती लक्षणों में लोगों को अंगों में दर्द होता है, पीठ के निचले हिस्से और सिर में तेज दर्द होता है, होंठ भी काले पड़ जाते हैं और जुबान भारी होने लगती है। अच्छा, और आंग पूरा ढीला हो गया था। आंग पूरा ढीला हो गया। उल्टी स्टार्ट हो गया। इस पूरी वारदात में जितने भी लोगों को मारा गया या जो भी लोग बीमार हुए, वो एक प्लान के तहत बीमार हुए और उनकी मौत हुई। लेकिन शंकर कुम्हारे का ड्राइवर दरअसल कार में रखा जूठा पानी पीने से बीमार पड़ गया। इस पूरे केस में पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस का मानना है कि इस मामले में 8 लोग और भी शामिल हैं।